अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ सादा परवीन उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपके लिए ये बहुत सा आसान टोटका लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा टोटका है जो कि आज जो आप खुश हो जाएंगे ये टोटका सुनकर और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब आप ये टोटका इस्तेमाल करेंगे तो ये मेदे के लिए टोटका मैं आपके लिए लेके आई जिन लोगों को ये मेदे का मसला है और जिन लोगों के मेदे को जलन हो जाती है मेदा गर्म हो जाता है हती के आपको महसूस होता है कि ये जैसा कि मेदे को आग लग जाती है तो इस सूरत में आपने क्या करना है ये मेरे वाला टोटका इस्तेमाल करना है टोटका बताने से पहले आपको एक और बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपको मैदा गर्म होने की वजह से सांस का भी मसला हो जाता है तो ये जो सांस का मसला होता है मैदा गर्म होने की वजह से भी हो सकता है अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी रहमत से आपको ज़्यादा शफा होने वाली है और ये नहीं कि ये टोटका इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ दिन लगेंगे नहीं फौरन फौरन ये टोटका इस्तेमाल करते ही आपको उसी वक़्त आप राहत पाएंगे ये सारी चीज़ें आपको पंसार की दुकान से आसानी मिल जाएंगी टोटका शुरू करते हैं आपसे टोटका शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आप इस बीमारी से महफूज़ हैं अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे अगर आपके किसी रिश्तेदार हमसाई या दोस्तों में से किसी को मैदा की तकलीफ़ है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें क्योंकि उनका भी भला हो जाए तो चलते हैं अपने टोटके की तरफ तो सबसे पहले ये चीज़ है गूंद का तीरा और ये इसको साफ़ कर लेना है इस तरह की लकड़ियाँ अगर इसमें आपको मिलें तो ये निकाल लेनी है उसके बाद ये तुख मलंगा है तुख में मलंगा और ये है साबत इस बगोल ये छिलका नहीं लेना ये आपने साबत इस बगोल लेना है ये तीनों चीज़ें आपने हम वजन ले लेनी है छटांग छटांग ले लें या चाहे आदत पाव ले लें और इनको साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से और इनको फिर ग्रैंड करके इसको पीस लेना बिल्कुल भी नहीं पीसना दरदरा सा आपने इसको कर लेना है मैंने ये एक डब्बी में इसको रखा हुआ है पीस के आपने भी इसको ग्रैंड तीनों चीज़ों को अहम वज़न ले कर ग्रैंड कर लेना है और ज़्यादा भी आपने पीसना नहीं इस तरह का आपने दरदरा सा कर लेना है तो अब अब मैं इसकी मकदार आपको बताती हूँ तो आपने क्या करना है पहले आपने इतना सा थोड़ा सा पानी ले लेना है और ये जो ग्राइंडर किया हुआ तीनों चीज़ें मिक्स हैं ये एक चम्मच है छोटा ये छोटा चाय वाला चम्मच है आपने इसको इसमें मिक्स करके भिगो लेना और 10-15 मिनट तक आपने इसको भगव लेने हाँ तो जी तो ये आप देख सकते हैं कि ये फूल गया है जो हमने ग्राइंडर किया हुआ मवाद इसमें डाला था पानी के अंदर और अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं बिसम ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें ये मेरे घर का जमाया हुआ टोटका है अब इसके अंदर एक बड़ा चम्मच मैं चीनी का डालूँगी ये फुल भार के एक चम्मच चीनी का और एक ही चम्मच मैं इसमें ये शरबत का डालूंगी ये आपकी मर्जी है शरबत डालें या ना डालें ये आपकी मर्जी है वैसे थोड़ा सा कलर हो जाए तो बच्चे भी शौक से पी लेते हैं तो आपने ये दूध जो है ये ठंडा ठंडा दूध डालना है जब चीनी मिक्स हो जाए तो आपने इसको पी लेना है सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी जब तक आपको आराम नहीं आता आप इस चीज़े टोटका का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप दूध ज़्यादा पी सकते हैं तो आप इसमें ज़्यादा दूध भी शामिल कर सकते हैं अगर ज़्यादा दूध शामिल करते हैं तो इसकी मकदार से आप चीनी को भी बढ़ा दें ये तो है टोट का मदे के लिए अब इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है सुबह नाश्ते से पहले आपने ये एक गिलास पीना है इसी तरह और नाश्ता इसके पीने के आधा घंटा बाद आपने नाश्ता करना है इसी तरह ये एक गिलास आपने रात को लेना है खाना खाने से पहले खाना खाने से पहले ये पी के और फिर आपने आधे घंटे बाद खाना खाना है तो ये दो टाइम आपने दिन को लेना है इनशाला आपको बहुत जल्द आराम आ जाएगा और इसके पीने से उसी वक्त फ़ौर आपका मैदा ठंडा हो जाएगा और उसी वक़्त जो आपको सांस का मसला है मैदे की वजह से दूसरा मैं नहीं कहती कि फेफड़ों की वजह से आपको सांस का मसला है नहीं अगर आपको मैदा के तप जाने की वजह से मैदा गर्म हो जाने की वजह से आपको सांस का मसला है तो वो भी इसके पीने से फ़ौर ही आपको सांस का मसला ठीक हो जाएगा तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें मेरा और आपका अल्लाह ने